आ जाओ ओपन है। गैंग इधर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। तो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं अभी ऑफिस से पहुंचा ही था, तो यहाँ जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा तो यहाँ पर कोई नहीं था। पिंका दिन भर अकेली थी यहाँ पे, तो थोड़े बोर हो गए होंगे तो चाची के पास गए। पर मैंने कॉल किया था, कहा हूँ आप, वो चाची घर में थे और मैं यहाँ आया तो मुझे थोड़ी भूख लगी थी, लंच तो नहीं कर पाया अच्छे से क्योंकि उस टाइम भूख नहीं लगी। और अब क्या करूँ, तो सोचा कि अब खाना तो अभी कहाँ बनाऊँ, अब तो टाइम हो गया है खाने का टाइम नहीं रहा है। तो मैंने सोचा कि कुछ ऑनलाइन मंगा लेता हूँ यहाँ पे। ऑनलाइन यहाँ पर ढांडा में ऑनलाइन कुछ चीज़ डिलीवरी नहीं होती, तो मैंने नीतू को कॉल किया। नीतू ऑफिस आना था तो नीतू ने बोला कि भैया वहाँ पर ऑनलाइन तो नहीं होता, बट एक कॉन्टैक्ट है वो होम डिलीवरी करते। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि होम डिलीवरी होती है, वाह, मैं सरप्राइज रहा। ढांडा में जो भी रहता है तो यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर है, वो मैं अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि वो उस कॉन्टैक्ट नंबर को आपके साथ शेयर करूँगा। तो वो ऑनलाइन तो नहीं घर मतलब वो फ़ोन करना पड़ता है उन्हें, और फ़ोन करके वो घर घर छोड़ देते जहाँ जहाँ जिस चीज़ को चाहिए होगी उनके। बट सुनने में आया कि बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना फास्ट फूड कॉर्नर उनके पास बहुत टेस्टी मोमोज पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो मैंने सोचा अकेले क्या खाऊं, फिर मैं एक बार एक मोमो प्लेट ही मंगाना चाह रहा था कॉल करके। तब मैंने दोबारा से कॉल किया, उन्होंने कि नहीं, दो प्लेट मोमोज या एक पिज़्ज़ा आपको ऑर्डर दीजिए, मेरा बुक कीजिए और आप लेके आइए मेरे घर। तो मैंने सोचा कि अकेले क्या खाना, फिर वहाँ पर आरजू एंड आकू भी थे, कन्नू भी था, तो और यहाँ पिंका भी फास्ट फूड की बहुत शौकीन है, तो सोचा सब लोग मिलके खाएंगे। तो उनके लिए मैंने एक सरप्राइज आई, छोटा सा ट्रीट सरप्राइज करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। अभी मैं अकेला हूँ, मैं और खुद ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ सब चीज़ें। तो यहाँ पर मेरा छोटा सा टेबल है और यहाँ फ्रंट दरवाज़ा है, ये मैं उनको सरप्राइज दूंगा। दरवाजा बंद करके रखूँ, पहले लेआउट कर दूंगा, फिर उनको कॉल करूँ कि आइए आप, थोड़ा मैं गुस्से से बोलूँगा कि जल्दी आइए, मुझे भूख लगी है, लेना देना करके। रिएक्शन होगा जो उनका, मैं उसको कैप्चर करने की कोशिश करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा उस रिएक्शन को। मुझे ना ये छोटी छोटी ट्रीट देना, छोटी छोटी खुशियाँ बांटना बहुत अच्छा लगता है, तो उन चीज़ों को मैं कैप्चर करूँगा। तो आगे बहुत मज़ेदार ब्लॉग होने वाला है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जरा उनकी स्माइल कैसी होती है, उनके फेस पे रिएक्शन कैसा होता है, तो उसको मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से। तो आप प्लीज़ कमेंट कौन से ज़रूर बताइएगा और उस टेस्ट को मैं बताऊँगा कि किस तरह टेस्ट है, बट जो प्यार दिया जाता है ना उसका टेस्ट ही कुछ होगा। तो ये सरप्राइज़ मैं अपनी दोनों बहनों और कन्नू और अपनी वाइफ को दे रहा हूँ, छोटा सा ट्रीट और छोटे सी ट्रीट सरप्राइज दिए। तो सो गाइस, स्टे ट्यून विद अमित गुप्ता। तो अगले रिएक्शन और अगले कैप्चर को चलते हैं, जैसे उनको बुलाना पहले कॉल कर पाए बात कर, उसके बाद कैप्चर कर पाऊँगा सब चीज़ें। तो चलते हैं और मोमो आने वाले को कॉल करने वाला है क्योंकि हाफ आवर से ज़्यादा टाइम हो गया है, अभी तक नहीं पहुँचा। जैसे आता है उसको लेआउट करते हैं, फिर उनका रिएक्शन। तो गाइस, नीतू भी आ गया था, तो मैं नीतू से कैप्चर करा रहा अभी तक वीडियो, और मैं थोड़ा प्लेट को सजा रहा हूँ ना, किस प्रकार से लगाऊँ मोमो को। वाओ, गरम है, ये बिना कैसा टेस्ट होता है, लग तो बिल्कुल पतली चमड़ी के रहे हैं। नीतू एक प्लेट और लाया और पिज्जा देखते जरा गाइस किस प्रकार का है, थोड़ा नीतू मेहनी से दिखाना पिज्जा। वाओ, पिज्जा तो बहुत ही जबरदस्त है, मौज होने वाली बेटा मौज। जरा नीचे नजदीक लाइएगा कैमरा, थोड़ा दिखाइएगा, थोड़ा व्हाइट स्पॉट वगैरह में डालूंगा। तो गाइस, ये स्पेशली ना मजा आएगा अभी उनके रिएक्शन को देख के, क्योंकि मुझे भी इतनी तगड़ी खुशबू लग रही है, तो लड़कियों को किस प्रकार की खुशबू लगेगी। तो मैं जैसे ही उनको बुलाता हूँ, इसका तुरंत कॉल करता हूँ और सेट कर देता हूँ। पिज्जा पे डालना, पिज्जा पे डालना, मैं बाबरे बाबरे मैं चलेगी मुँह में खत्म, फिर यहीं रखता हूँ फिलहाल थोड़ी, क्या पता लड़की और खाएगी। मैंने तो बहुत सारी कर ली थी एडिटिंग ना, अब नीतू को यहाँ पर थोड़ा मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया, बोलो मुझे बना दो भैया। तो पिज़्ज़ा ये सेट कर रहा है, तो सोनू एंड मोना देखिए हमारे मजे। तो जल्दी से जल्दी शिमला आइए, हम आपको भी इसी प्रकार का छोटा छोटा ट्रीट देते रहेंगे। को
कुछ बता यार, नहीं तो तू तो कितना awesome, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है ना, मजा आ जाएगा खाने में, मजा आ जाएगा। अब यहाँ लड़कियों का रिएक्शन देखते हैं, मुझे तो वही उसका ही वेट कर रहा हूँ मैं कि लड़कियाँ किस प्रकार रिएक्ट करती है। आरजू का रिएक्शन मैं देखना चाहूंगा, आकू का देखना चाहूंगा, पिंका का तो बहुत ही खतरनाक रहेगा, बहुत ही ऑसम होने वाला है। काफी दिन से बोल रहे थे कि वे मुझे मोमोज खाने का बहुत मन कर रहा है, वही देखते हैं कैसा होता है भाभी का रिएक्शन। लगता है पहुंच ही गए हैं। आ जाओ आ जाओ, कम ओपन है, मैंने गैंग ला दिया मुझे पूरी गैंग। इधर देखिए, ओह माय गॉड, ठीक है, कैसा लगा, कैसा लगा हमारा मजाक। तो इनकी ना लाल निकलने वाले इसको देख के, तो बैठो बैठो प्लीज, इधर बैठो, बैठो, कैसा लगा हमारा मजाक कन्नू, कैसा लगा मजाक भाई, बैठो फिर शुरू करते हैं, टेस्ट बताओ जा करके। आपको आ जाए इधर, इधर इधर को ये देखिए, बिल्कुल टूट पड़े है ये पिज्जा इस पे मोमो पे, नहीं तू आ जा नहीं तो कुछ नहीं बचना। कैसा है तो बहुत ये देखिए, बिल्कुल भी अब ध्यान नहीं दे रही इधर। मैंने आपको बताया था ना पहले कि भाई बहुत ऑसम बनाते हैं ना, कन्नू कैसा है, है? बहुत टेस्टी है। अरे वाह भैया, कैसा है टेस्ट, ऑसम है ना भाभी, खुश, पेट दर्द ठीक होगी ना आपकी कल से पेट दर्द हो रही थी है ना, कल से बोल रहे थे भाभी की भी मोमोज खाने। वाह भाई, पिज्जा का टेस्ट, पिज्जा का टेस्ट, पिज्जा का टेस्ट देखो ना, पिज्जा ये बिल्कुल खाना खा के अभी मोमो खा के ना मिर्च लगी है, मिर्च कैसा रहा फिर, बढ़िया है, कैसा लगा मेरा मजाक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया था, ऐसा मजाक रोज करते रहे हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइज अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट मार देना जरूर बताए, और अगर आपको पिज्जा वाला का नंबर चाहिए होगा ना, ये बहुत ही टेस्टी मोमन पिज्जा बनाता है, जो तो ढांडा में रहता है ना उनके लिए स्पेशली बहुत ही सही है। तो गाइस कैसा लगा मेरा मजाक इन सभी के लिए, तो स्टे ट्यून्ड विद अमित गुप्ता, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लव अमित गुप्ता, ऐसे ही कुछ हंसी मजाक वाले ब्लॉग के लिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़ते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी, बाय।